हमारे तीनों भाई ने एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे और सारा अनुभव लेंगे ये तीनों भाई से। तो पुष्कर जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, बताएंगे अपना अनुभव। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा। आप लोगों को देख के ही हम जो कभी 200 मीटर नहीं दौड़ पाते थे 5 किलोमीटर क्वालिफाइड कर गए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं मुकेश सर का बहुत बड़ा योगदान है, उनको देख के हम इतना आगे तक गए। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई तो करना पड़ेगा, पहले तो वो जरूरी है, पहले एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा इसके लिए। और अब 2 घंटे पढ़ते हैं या 5 घंटे वो मायने नहीं रखता है, बट 2 घंटे में क्या पढ़ते हैं वो मायने रखता है। 2 घंटे बस पढ़िए, लेकिन सही से पढ़िए, 2 ही घंटे पढ़िए, जितना ही पढ़ते हैं सही से पढ़ने हैं। और दौड़ की रही बात तो उसके लिए तो हमारे सर काफ़ी है, दौड़ तो आपने करवा ही देंगे, बाकी आप लोग खुद हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं। धन्यवाद। अब बातें करेंगे हम भवे जी से, भवे जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हेलो, सबसे पहले आप सबको प्रणाम, जय हिंद। और क्या बोलूं, हम तो पहले सब चीज बताए थी अपने बारे में। और अगर आप लोगों को SSGD 2022 वाली भर्ती आई है उसे संबंधित कोई भी जो भी आपको क्वेश्चन है, आप मेरा फ़ोन नंबर है मुकेश सर के पास, उनसे आप लीजिए। और एक ही बात बोलेंगे, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, बस उसके मतलब सब मेहनत करने में आपको सहयोगी होंगे, मुकेश सर वगैरह करेंगे, लेकिन आगे आपको ही पढ़ना है। पढ़ाई जी की हाट हो रही है। धन्यवाद। अगली बात तो हम करेंगे सुकांत जी से, सुकांत जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हेलो, मेरा नाम सुकांत कुमार हुआ, मेरा सिलेक्शन सियासत में हुआ है। और सर को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसमें स्वागत करने के लिए। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि बस कड़ी मेहनत करते रहिए और सही दिशा में करते रहिए, और एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बस जोरदार ताली से स्वागत करेंगे भाई लोग। इतना ही हम सुने हैं कि मेहनत अपना करते रहिए, आगे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जो भी आए ग्रुप डी वाले आए रेलवे ग्रुप डी, मन दिल से अपना मेहनत में लगे रहेंगे। मैं सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, पोस्टिंग अभी नहीं पता चला है, 2 दिन में पता चल जाएगा। मेरा SSB में हुआ है और मेरा पहला पोस्टिंग असम में ही है, असम तेजपुर गुवाहाटी है, वहीं पे है 68 बटालियन। और क्या कहते हैं, ट्रेनिंग भी वहीं है मेरा 68 में ट्रेनिंग है, 67 में मेरा है। और मेरा घर परसाई हुआ, मधुबनी जिला। मैं पुष्कर कुमार, मधुबनी जिला खीरर गांव का निवासी हूं, और मेरा सिलेक्शन SSB में हुआ है, और मेरा ट्रेनिंग फिलहाल राजस्थान RTC अलवर में दिया है, और पहला पोस्टिंग यूपी में बलरामपुर 50 बटालियन में है। आप कहां से बिलोंग? मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूं, ललमनिया घर हुआ, खुटौना जानते होंगे आप लोग, खुटौना के 8 किलोमीटर के साइड में। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मधुबनी वाले भाई के लिए। और विशेष बात हम अपने ऊपर बंद करेंगे और मिठाई से आप सभी लोग का स्वागत करेंगे, आप लोग लाइन बने रहेंगे।